आपके चार मल्टीमीडिया लगे हुए हैं, आपके जीएसटी केजी मीटर है, यहाँ से हमारी इन हो रहा है सही है। उसके बाद ये एक मल्टीमीडिया हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है। अभी जरा पीछे की साइड में आपका स्पीड पंप लगा हुआ है, स्पीड पंप का बॉक्स ऐसे खुला हुआ है, ठीक है भाई। ये आपका जो है ना ऊपर से इधर दिखाओ, कवर पूरा बैंड हुआ भी ऊपर से, ये दिखाओ, ये पूरा कवर जो है खुल के सीधा होगा। दूसरी बात ये है कि कवर जब मैं आया हूँ तो ये कवर मुझे खुला हुआ मिला है। ये इसकी सेक्शन की लाइन आ रही है, सेक्शन से निकल के डिस्चार्ज हो रही है, दो मल्टीमीडिया में एक जा रही है, जरा उधर से दो मल्टीमीडिया में एक जा रही है, बीच में टी लगी हुई है, एक आगे एल्बो दिखाओ भाई, यहीं से दिखा दो एल्बो, सही है। ये डोजिंग के दो पॉइंट बने हुए हैं, ये डोजिंग टैंक है, ये डोजिंग पंप लगे हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद ये लैंड आपकी आई इधर, ये आपकी लैन आई है, लैन आने के बाद ये कि दोनों ही कॉटेज बिल्टा हाउसिंग में चली गई। फिर तो यहाँ से लेकर आई, यहाँ से सेरोनाइट वाल लगा हुआ है आपका, नज़र आ रहा होगा आपको, सेरोनाइट वाल के बाद ये पूरी मोटर भी बना हुआ, ये पूरा का पूरा पंप लगा हुआ है, हाई प्रेशर पंप, हाई प्रेशर पंप में एक दो तीन चार पाँच, पाँच वैसे में तीन वैसे में पानी इन किया, यहाँ से दूसरी साइड से तीन का यहाँ से आउट हुआ, आउट होने के बाद दो वैसे में इन हो गया, यहाँ से आउट होने के बाद वहाँ से एक हुआ था, दो मिनटों में नीचे का तीन मिनटों का मारी के दो मिनट आउट हुआ, आउट होने के बाद ये आ गया आपका प्रेशर एक मीटर, और ये आ गया आपका प्रेशर वाल कंट्रोलिंग वाल आ गया, जितना प्रेशर आपको देना है उस हिसाब से आपको रखना है। ये आपका गेज मीटर के पास, गेज मीटर के पास जो है ये आपका ऑटो स्विच आ गया है, ठीक है। ये आपका बटरफ्लाई वाल लगा हुआ है, ये आपका आ गया थ्रेनर, सही है। ये आपका पैनल है अंदर से, मेरी भी ले थोड़ा दूर ले के, हाँ ये पैनल की ले रहा, मेरी भी ले रहा, बटरिंग ही ले रहा। ये पूरा पैनल आ गया आपका, कंट्रोलिंग पैनल है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी ये अंदर जो है इन्वर्टर वगैरह कुछ भी लगवाना था नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है भाई। इसके अंदर जो है पॉइंट गलत है,
इसको हाई टच से बनाना चाहिए था, आगे तमाम बेसलों का पानी आना चाहिए था। फिर एक वेसल है वेसल नंबर 3, उसके अंदर पॉइंट दिया है ये फिटिंग गलत है, सरासर गलत है। इसको हाइडर करके लेना चाहिए था। कल को अगर टी टी एस बनता है वेसल का तो आपके बड़े बड़े टी का पानी सिमुलेशन करोगे, ठीक है। ये आपका हाइडर बनाया, इसके अंदर पाइप आपके वन दिए हैं, 2, 4, 5 वाले दस दिए हैं, 5 दस दिए हैं, ठीक है। तमाम फिटिंग जो है ना घिरे की हुई है, वाइट फिटिंग चलाई है, बुरी लग रही है। एक बार यहाँ से ये लाइन आई और ये तमाम जो है ना वेसलों पर ड्रेस हो रही है, देख सकते हो आप, वेसल का कपड़ा भी नहीं लगा रहा है, ये देखें सही है भाई, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका जो है पूरे का आइडल बना हुआ है 2 इंची का, यहाँ से पानी आपका किलोमीटर में जा रहा है, किलोमीटर से होता हुआ फाइनल लाइन निकली है। फाइनल लाइन निकलने के बाद ये आपकी बाहर जा रही है, ये आपकी बुटेक की लाइन है जो बाहर की तरफ जा रही है, अब जो बाहर कहाँ जा रही है, चलना है ऐसी बना ले, ऐसी बना ले, ये जिनका पुराना आरो लगा हुआ है, ये तमाम पैनल लगे हुए हैं, जैसे दोनों पैनल लगे हुए हैं, देखिए भाई वो आपको मंडी के अंदर आ रहा है, आगे आगे पूरे दिन मारता हुआ है।